लगी रहे भाई साहब। सर तो मेरे को पसंद में आया, काफी बेहतर भी है, लेकिन थोड़ा लेकिन क्या है ना, कोई बड़ा कोई छोटा हो रहा था क्या हुआ। फाइनली मैंने टी शर्ट छाटी भैया, बहुत सारे दिखाए, ठीक है बहुत ज्यादा। और शिमला क्या रेट है भैया? भाई साहब ये लेके आए हैं लोकल फूल गोभी जो कि इनके घर का ही है, क्या रेट? तो वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। दोस्तों फिलहाल में अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, सुबह नहीं यार थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम हो गया। वैसे तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फिलहाल मेरे पास गाड़ी वगैरह खड़ा है और मम्मी बना रही है आज साकिन का सब्जी, साकिन बोलते हैं ना इसको, तो साकिन का सब्जी। भाई साहब यहाँ हमारे मोबाइल चला रहे हैं और खाना पीना बन रहा है बाहर में। तो चलिए चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ, थोड़ा घूम फिर लेते हैं क्योंकि कल से दुकानों का रेगुलर खुलना चालू हो जाएगा और इस मंथ के अंदर ही मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ आप लोगों के लिए सरप्राइज। मतलब मैं सोचा था पहले मतलब सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई फाइनली ये देखिए पटरा लगा दिया हूँ, चलिए मैं सबसे पहले अपना बाइक निकाल लेता हूँ। भाई दोस्तों के पास आए थे लेकिन दोस्तों का दुकान ही बंद है, इधर भी दुकान बंद है, क्या किया जाए कहाँ जाया जाए। चलिए घर में जाते हैं, आराम से आराम करते हैं, तो क्या बताया जाए। तो भाई चलिए देखते हैं अगर भजिया हो तो फिर भजिया है भाई, बड़े भैया भजिया खाएंगे हम भजिया। तो भाई साहब अभी निकाल रहे हैं गर्मा गर्म भजिया। नहीं कुछ नहीं, इसमें मैं ले लूंगा मीठा चटनी थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पास किसी ने दुकान लगा ली, क्या लल्ला तुरंत अरे पन्नी से निकाल लो उसके बाद चलाओ उसको। तो पता है मेरे पास ना टी शर्ट वगैरह बहुत कमी है ना, तो मैं दुकान में रफ यूज के लिए ना 2-3 टी शर्ट लेने आ गया हूँ। यहाँ रोड के पास ही साइड में जो लगता है ना फुटपाथ, वहाँ से यहाँ भी ना काफी बेहतर कपड़े मिलते हैं, ठीक है यहाँ से देख लेता हूँ। अगर यहाँ से समझ में नहीं आएगा ना तो अपना वही पुराना स्टॉक जहाँ से मैं टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह कपड़ा वगैरह लेता हूँ वहाँ चले जाऊँगा। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं इनके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं चल जाएंगे। स्टॉक वगैरह तो काफ़ी सारे हैं भाई साहब के पास, हर एक टी शर्ट दिखाए हैं ऐसे दुकान में रख के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है, क्या है ना फैल जाएगा टी शर्ट। ठीक है पसंद आया आपको? मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी एक कपड़ा दुकान खोल लेता हूँ, उसी में भी रहूँगा मस्त ग्राहक लोगों को मस्त कपड़ा सेल करता रहूँगा, थोड़ा आराम करने का टाइम भी मिल जाएगा मेरे को। दोस्तों एक शर्ट तो मेरे को पसंद में आया, काफ़ी बेहतर भी है, लेकिन थोड़ा सा ना छोटा हो जा रहा है क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा जो निकला हुआ है ना इसके चक्कर में। और बाकी बड़ा साइज देख रहा है भाई साहब अगर हो तो, ये तो फिर दुकान जाएंगे देखते हैं जैसा भी है। पानी गिरने लगा भाई, पानी गिरा तो भाई साहब अपना पूरा कपड़ा उठा रहे हैं। मेरे साइज के ना भाई साहब के पास शर्ट ही नहीं मिला, क्या नहीं तो फिलहाल में ना वहाँ मेरे साइज का कपड़ा नहीं मिला, मैं टी शर्ट यहाँ से छाट लेता हूँ देख लेते भैया के पास, तो खैर मेरे साइज का मिल जाएगा। ठीक है काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इनके पास टी शर्ट वगैरह, ये देखिए आप लोग ये तो आज ये आ जाना चाहिए भी, लेकिन थोड़े पतले में दिखाई दे रहा है भी, थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दुकान में रहता हूँ थोड़ा। तो फाइनली मैंने टी शर्ट छाटी भैया, बहुत सारे दिखाए, ठीक है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है ना कोई बड़ा कोई छोटा हो रहा था, क्या हल्का पेट निकला है दिक्कत हो जाता है। तो 2 टी शर्ट ले लिया है मैंने, एक ब्लू ले लिया है और एक ब्लैक ले लिया है जो कि भैया पैक करें, तो दुकान में भी पहनते बनेगा और भाई कहीं आऊँगा जाऊँगा उसके लिए भी ठीक है। और काफ़ी कम प्राइस में भी मिल गया है, लगभग 350-300 रुपये का है, लेकिन भैया 300 रुपये के आसपास लगा दिए हैं 2 टी शर्ट, ये एक ब्लू हो गया एक ब्लैक। दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ मैं विक्रम भैया के पास मीठा फुल की पैक करवाने के लिए। विक्रम भैया कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था भैया सबको नमस्कार, इनका सब्सक्राइबर बढ़ाइए और ये के गरीबों को भी देख लिया करिए। अरे देखने आया हूँ मैं, देखने 20 का फुल की पैक कीजिए, फुल 20 का फुल की पैक कीजिए, मीठा फुल की रहेगा माता जी कहेंगे। अब कैसे पैक करेंगे आप देख लीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल दीजिएगा, मीठा कर लेगी मम्मी, और बाकी थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा और सब बढ़िया एकदम। विक्रम भैया आ रहे हैं, पहले हम लोग मैंगो जूस लगाते थे, विक्रम भैया जस्ट बगल में ही दुकान लगाते थे, और मैं अभी इतना यहाँ पास आया हूँ ना, तो अभी फिलहाल में आप मेरा फुल्की वगैरह पैक हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हम लोग घर, पानी भी हल्का हल्का गिरना चालू हो गया है, थोड़ी देर में चलते हैं पानी वगैरह जब रुक जाए। टी शर्ट मैंने यहाँ रख दिया है अपना भाई, हर 2-2 मिनट में ना पानी रुक रहा है, गिर रहा है भी गैर में हल्का सा, ये टी शर्ट भी हल्का गीला हो ही गया है। ओ भाई ले लीजिए माता जी आपके लिए फुल्की, जो कि आप फुल्की मंगाए थे, मीठा फुल्की खट्टा फुल्की दोनों हैं, ठीक है। और ये देख टी शर्ट आया हूँ, मतलब कैसा है देखिए, पता देखिए पता कैसा कैसा है, वहाँ कैसा है
ठीक है। अच्छा ना, दोनों टी शर्ट सेम है, बस कलर अलग अलग है बस। यार तो देखिए कि ये एक ब्लैक कलर का है, ठीक है, थंबनेल में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो खाना पीना है ना यार, चलिए निकल गए हम लोग ना, खाना पीना खा लेते हैं। और खाने में मम्मी क्या क्या बनाएंगे आप लोगों को मैंने सुबह तो बताया ही था। तो ये देखिए, ये है चावल, ये है कढ़ी, और मम्मी बनाई है ये क्या बोलते हैं साकिन का सब्जी। ये रहा भाई कढ़ी, आज काम करेगा दाल का, और सब्जी तो भाई आप लोगों को पता ही है। चलिए अब, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी बाजार करने के लिए। ओ भाई, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग बाजार वगैरह में। यहाँ पास आप लोगों को बाजार वगैरह का भी थोड़ा मोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मैं शाम को 5-6 बजे आता हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, तो काफी अच्छा मतलब बाजार का थोड़ा मोड़ा मैं भी दिखा दूंगा। संडे के दिन यहाँ छोटा बाजार लगता है, और बुधवार के दिन काफी बड़ा बाजार लगता है। आगे अभी चौपाटी में, तो अभी दुकान वगैरह लगी रहे हैं, बहुत सारे दुकान अभी लगी रहे भाई साहब। यार मैं तो बाजार तो वैसे लगा हुआ भाई, सगड़े थे। चलिए चलते हैं हम, यहाँ सेव बेचा रहा है। देखते हैं यहाँ टमाटर क्या रेट मिलता है। यहाँ बाजार तो वैसे काफी बड़ा। तो भाई साहब मिर्चा कैसे है, बोला भैया मिर्चा 40 रुपए, और आदि कैसे है? आदि भी 40 रुपए किलो है, और आदि यहाँ बेचते लोग 80 रुपए किलो, लेकिन बाजार के दिन काफी बेहतर रहता है, काफी सस्ता मिल जाता है मेरे को सामान वगैरह। और पत्ता गोभी 60 रुपए है ना भाई, तो चलिए मैं आप लोगों को पत्ता गोभी देखता हूँ। यहाँ पास एक भैया है, इनके पास से मैं सामान वगैरह ले जाता हूँ। गाड़ी को मेरे को ना हाथ से ढकोल के ले जाना पड़ रहा है। भैया पत्ता क्या रेट है? 40, कुछ कम नहीं लगेगा? 30 लगा ले। ठीक है, अभी पत्ता गोभी देखिए आप लोग, पत्ता 60 रुपए है, भैया के पास 40 रुपए मिल जाएगा, कुछ देर में भैया रेट भी कम कर देंगे इसका। और शिमला क्या रेट है भैया? शिमला 60 रुपए। तो भाई साहब ये लेके आए हैं लोकल फूल गोभी, जो कि इनके घर का ही है। क्या रेट का भी है फूल गोभी? 40 रुपए। मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी? 80 रुपए यार, और काफी बेहतर बेहतर फूल गोभी है, पूरा इनके घर का है, छोटा छोटा। ये देखिए आप लोग, बस इसमें से ये है कि मेरे को थोड़ा छांटना पड़ेगा। ठीक है भाई, छांट लेता हूँ, काफी बेहतर फूल गोभी है। तो फाइनली ये देखिए करेल मेरे को मिल गया है आंटी जी के पास, और लगभग यही 40-50 के आसपास दे रहे हैं आंटी जी। तो 1 किलो तोलवा ले रहा हूँ भाई, और काफी बेहतर है, कटा हुआ है। कब का है ये, आज का है कल का है? आज का है। कीजिए 1 किलो तोल दीजिए, ठीक है, 2-3 टुकड़े। ये मिर्चा ले लिया है मैंने, 40 रुपए किलो मिल गया है, मिर्चा काफी फ्रेश है। और शिमला मिर्च 60 रुपए किलो भाई, वैसे तो इधर 100 रुपए है। और पत्ता गोभी भाई 60-70 रुपए मिलता है, लेकिन 40 रुपए भैया के पास मिल गया है। तो भाई फाइनली आधा से ज्यादा सामान ले लिया है, बस टमाटर प्याज और धनिया पत्ती वगैरह लेना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। और भाई साहब मैं आ गया हूँ ब्रेड लेने के लिए, मद्रास होटल में ब्रेड लेने थे हम लोग, उसके बाद